एट 6 PM टू 10 PM विदाउट वायलेटिंग एमसीसी रूल्स। लेकिन जिस प्रकार सुनिए 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 एक बात, मैं अगर 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते, क्या बात है भाई? क्यों? ये कानून एमसीसी ईसीआई का जो आप खुद परमिशन आरओ दे रहा है, और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते आप, क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, नहीं अच्छे तरीके नहीं, आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया, ये क्या है, क्या है बोलिए आप, आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो टाइम हो गया, ये क्या है, क्या है ये कैसा बिहेवियर है बताइए आप खुद बताइए। मैं अगर 10:01 हो गया तो आपको पूरा राइट है, 5 मिनट है भी मेरे को, और 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है। एक स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट रहता बहुत। आप 5 मिनट पहले बोले बंद करो टाइम हो गया, बंद करो टाइम हो गया, और ईसीआई के कैमराज है, आप कैमराज से पूछो ना, जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं वहां पे, ईसीआई कैमराज हमारे को फॉलो करते, पदयात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता। अब तो पुलिस वाले फोटो लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते, तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए, आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले, उन्होंने हमारे डाइस पर चढ़ के क्यों बोले बंद करो टाइम हो गया बोलते। परमिशन का कॉपी है मेरे, मैं दे सकता हूं आप लोगों को, मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे बोल के, आप मेरे को बंद करो कैसा बोलेंगे भाई? परमिशन है तो बोलूंगा ना मैं, 10 बजे तक बोलूंगा मैं, या 9 बजे तक, जो भी टाइम है, मेरा टाइम था।